हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अर्न विद मीरा। उम्मीद आप सब लोग होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट लाई हूँ जिसका नाम है साइबर पॉप। साइबर पॉप का आज मैं आपको कंप्लीट रिव्यू दूंगी और बताऊंगी किस तरह की वेबसाइट है, इसको हम कैसे बाय करते हैं, मिस्ट्री बॉक्स, इसके डॉक्यूमेंट, साइबर स्पेस इटीसी। तो उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मैं न्यू वीडियोस लाती रहूं और आपको इसका कंप्लीट जो है रिव्यू देती रहूं। जैसे क्या चले बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब आप इस वीडियो को ओपन करेंगे तो इसके लिंक्स जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। साइबर पॉप जैसे कि एक अमेजिंग जो है गेम है, जैसे कि आपको यहाँ पे इसका लोगो भी नजर आ रहा है, बहुत ही अमेजिंग है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ले हम इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। फाइंड रियल यू इन दिस न्यू वर्ल्ड। The Metaverse combines exploration, combat, X to earn and UGL. तो play to earn, हम इसे play भी कर सकते हैं, हम इसे play कर सकते हैं, fun कर सकते हैं, engage कर सकते हैं। आप इसे जरूर play कीजिएगा। इसका जो है demo video में भी आप वो भी आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि इसकी demo video है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसकी demo video बहुत ही interesting है, आप इसे जरूर देखिएगा। इसे जब आप इसे देखेंगे तभी आप इसे play कर सकते हैं। New world, new era, meta universe, UG game. तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये इसका जो है लोगो है कंप्लीट, ठीक है। ये सारी ये गेम है ना, इसका डेमो है, सारा यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये सारा इसका डेमो है। तो आप इसका डेमो देख रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग है, ये है इस यूट्यूब गेम सेटिंग्स है इसके अंदर। और इस तरह की कॉन्सेप्ट से कुछ देख लीजिएगा, ठीक है। इसका जो डेमो है बहुत ही अमेजिंग है, इसका डेमो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद चलिए अपनी साइट पर चलते हैं, उसको मैं आपको वहाँ से भी दे देती हूँ। तो आप जैसे कि आप इनके सोशल मीडिया दिए हुए हैं, आपको इनके कॉन्टैक्ट सोशल मीडिया के, आप इनको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। डिस्कॉर्ड है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, तो आपको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप इनका सोशल मेंबर सोशल मीडिया पर इनका फैमिली मेंबर बनना चाहते हैं तो इनसे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ताकि आप जो है इनकी बहुत ही मतलब अच्छी इनके फैमिली मेंबर बनेंगे, तभी आप उनकी इसके बारे में न्यू जो है कॉन्टैक्ट्स इन कॉन्टैक्ट से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, आपको इसके बारे में इसकी अपडेट्स मिलती रहेंगी, तो आप इसे जरूर जो है कॉन्टैक्ट कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट अपनी साइट की तरफ चलते हैं। जैसे कि वेलकम टू साइबर पॉप न्यू वर्ल्ड, अ यूजीसी मेटावर्स एडवेंचर बिल्ट ऑन द इथेरियम, वेयर यू कैन एक्सप्लोर, अब यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं द वॉइस स्पेसेस फ्रॉम डिफरेंट एरिया, सर्चिंग फॉर मिस्ट्रियस डिजिटल आर्टिफैक्ट्स एंड क्रिएचर्स, ठीक है। जैसे कि मूनलाइट सेंचुरी है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट जो है इसकी एक्सप्लोरेशन हो रही है, आप देख सकते हैं एक्सप्लोरेशन हो रही है। इसी तरह से अब नेक्स्ट चलते हैं। यू कैन बी नोबडी ऑफ सम और समबडी, तो इन डिफरेंट साइबर स्पेस, यहाँ पे डिफरेंट साइबर स्पेस है, जैसे क्या देख सकते हैं, बी टेलीपोर्टिंग इनटू डिफरेंट साइबर स्पेस। प्लेयर जो है वो डिफरेंट इनके एनएफटी कैरेक्टर्स हैं जो कि यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये डिफरेंट पैनल है इनका नाम, और यहाँ पे सायरा है, इस तरह से कायरा है, तो इस तरह से ये कैको पिया है, इस तरह से डिफरेंट इसके कैरेक्टर्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, सीक्रेट्स ऑफ द प्लेस थ्रू क्रिएट योर ऑन पर्सनैलिटी एंड एक्युमुलेट्स एसेट्स, ठीक है। यू कैन ऑल्सो कंप्लीट विद प्लेयर्स इन द placed with them, ठीक है। आप यहाँ पे इसका जो साइबर प्लेस एक्सपीरियर एंशियंट प्लेस इन द रिमेंड्स ऑफ टाइम, ये वीडियो है, ये भी देख सकते हैं। गेट एनएफटी भी आप जो है यहाँ से एनएफटी गेट कर सकते हैं। उसके बाद मेक साइबर स्पेस यू ऑन एनएफटी मेड बाय यू थ्रू एडवांस्ड कोलैप्स एल्गोरिथम्स, ये थोड़ा सा रिव्यू आप इसे रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद इनके पार्टनर्स हैं जिसके आप देख सकते हैं, फ्रॉस्टी एंड फिच एवलांची है, एवलांची एंड कोलैप्स, जैसे कि एवलांची इथेरियम पॉलीगन प्रोडक्शन अपार्टमेंट के सारा इसके अंदर है। ओपन सी है, आप इसका ओपन सी भी मतलब इसके एसेट से ओपन सी भी ओपन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। न्यूज़ है इनकी यहाँ पे साइबर पॉप चैनल के बारे में, यहाँ पे इसका फाइव न्यूज़ बताया हुआ है, जनवरी 2022 टू रीड। उसके बाद यहाँ पे इसका जो है साइबर पॉप न्यूज़ के बारे में बताया, आप इसे रीड कर सकते हैं। इनके डिफरेंट जो है कैरेक्टर्स हैं वो दिखाए हुए हैं, साइबर पॉप न्यूज़ ब्लॉग्स एंड गेम्स के बारे में बताया हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। उनका जर्नी कैसा है उसके बारे में हम बात करते हैं, इनका जर्नी, इनके क्वार्टर, इनके रोड मैप की बात हो रही है, जैसे कि डिफरेंट वीडियो से मैं आपको बता दूँ कि रोड मैप इस जर्नी को कहते हैं, जो इन्होंने डिफरेंट मतलब इनका स्टार्ट से लेकर एंड तक जो इनका जर्नी रहा होता है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, कि जैसे क्या वो जर्नी, तो इनकी जर्नी में हम देख लेते हैं क्या क्या है, इन्होंने कितनी भी मतलब की गेम रहेगी और इन्होंने कितना हार्ड वर्क किया इसके ऊपर वो देख लेते हैं। स्टेज वन के अंदर इन्होंने 2021 के अंदर साइबर पॉप प्रोजेक्ट किया,
तो इसका एस्टैब्लिश साइन ऑफ प्रोजेक्ट हुआ, वैसे गेम प्ले थी इनकी, आर्टिस्ट डिजाइन हुआ, गेम सीन डेवलपमेंट हुई। क्वार्टर 2021 के अंदर इनका जो था यूजीसी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, वेबसाइट लॉन्च हो गई, ठीक है, फुल डेमो ऑनलाइन हुए, बिल्ड क्रिएटर्स हुए। 2022 के अंदर टोमेटो पर रिलीज हुआ, जैसे कि डेमो ऑनलाइन हुआ इनका, ओपन एनएफटी स्टोर हुआ, रिलीज एल्बम वेरिएंट एनएफटी का हुआ। स्टेज 2 के अंदर इनकी डिफरेंट जैसे गेम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट यूजीसी और क्रिएट एडीओ प्लेटफॉर्म यूजर्स हुए थे, सोशल मीडिया सोशल फाइल मैकेनिज्म हुआ, मतलब वर्ल्ड यूनियन सिस्टम हुआ डिफरेंट इनके, ये हुए। बट क्वार्टर 2022 के अंदर इनका मुझे है यहाँ पे आप देख सकते हैं ई कॉमर्स और विजुअल आइडल स्पोर्ट फॉर्म मल्टीपल चेन एक्सेस हुआ। स्टेज 3 है जो इसके अंदर इसके पब्लिश हुई कि न्यू वर्ल्ड डाटा ग्राम हुआ, इम्प्रूवमेंट ऑफ यूजर डेब्यू हुई, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे। कॉलेज के अंदर ये सब कुछ इनका होगा, ओपन थ्री ए लेवल 2GC चेन प्लेटफॉर्म और ये सब कुछ इनका 2023 के अंदर होगा, जो कि नेक्स्ट मतलब ईयर होगा। फुल प्रेजेंटेशन होगी इंडिया वर्जन पे, स्टेज बनाएगा, फर्दर इंटीग्रेशन ईयर होगी, इस पर सारा वर्क हो रहा है, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल होगा, जब भी आएगा जो चीज होगा। ओपन एनएफटी फाइनेंशियल डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म हो गया, साइबर पॉप आर्टिस्ट एसोसिएशन होगा, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे आप देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे इनकी टीम के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। टीम मेंबर्स हैं जैसे कि जी आर जी आर्ट डायरेक्टर है, इनके फ्रैंक जो है को फाउंडर हैं, यहाँ पे लिंक जो है वो बैकर्न है, और हैसन जो है को फाउंडर है, एफ वाई जो है वो बैकर्न है यहाँ पे, और यहाँ पे इनके जो देख सकते हैं आप जॉन टेक्निकल डायरेक्टर हैं जो है वो इनकी जो सारा मार्केटिंग डायरेक्टर जो है वो कैरोलाइन है, ठीक है, कैरोलाइन जो है वो मार्केटिंग डायरेक्टर हैं इनकी, और यहाँ पे उसके बाद वो को फाउंडर हैं, और ये सारा इसके अंदर ये सारा इनके बैकेंड किया है। इसके पार्टनर्स देख सकते हैं आप, ये सारे इसकी पार्टनर्स की लिस्ट है, और ये इनके सारे पार्टनर्स इस तरह से आप देखते हैं। वो स्पोर्ट मल्टी एंड इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रीड फॉर योर जर्नी, इनका सारा जर्नी इसके अंदर है आप देख सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज टर्म्स ऑफ सर्विस ये सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है, बहुत ही अमेजिंग है ये, जिसके आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम इसके माइंड सेट लेते हैं, इसे बाय जरूर कीजिएगा, आप जब इसे बाय करेंगे ना तो ये बहुत ही मतलब आप इसे अपने वॉलेट से सबसे पहले अपने वॉलेट से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपने ना इसको माइंड करने के लिए अपना वॉलेट जो है वो ऑथराइज करना है, मैडम आपसे लॉग इन कर लेना, एक्सेस तो करने के बाद ही आप इसे माइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए माई सी आई डी गेट सी आई डी, आप इनके कॉइन्स गेट कर सकते हैं, बहुत जल्द आएगा, ठीक है, आपके सामने। और यहाँ पे स्टेक एल पी टोकन है जो कि आप अर्न कर सकते हैं, ये डिफरेंट इसकी सारा कुछ बताया हुआ है। मिस्ट्री बॉक्स देखिए रख सकते हैं, तो मिस्ट्री बॉक्स जैसे कि मिस्ट्री बॉक्स, तो ये साइबर पंक मिस्ट्री बॉक्स का जो NFT मतलब इसका है राउंड 1 कंटेनिंग हाई वैल्यू है इसका मिस्ट्री बॉक्स प्रमोशन NFT माइंडेड बाय साइबर पंक डीओ मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द जर्नी, ठीक है। इसके बाद मिस्ट्री बॉक्स का जो टेस्ट रन है वो अवतार मिस्ट्री बॉक्स है, ठीक है, वो इतने का उसकी इंस्ट्रेंट मतलब बताई गई डिटेल में, और आप 10.00 का आप परचेज भी कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, इसकी डिटेल भी है, आप $50 में से मिस्ट्री बॉक्स में परचेज कर सकते हैं, और इसके आइटम मिस्ट्री बॉक्स होता है लैपटॉप जो है वो इतने का है, 20 आप इसे परचेज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, उसकी डिटेल आप देख सकते हैं। साइबर पंक मिस्ट्री बॉक्स के बारे में लाइव है, ये भी सारा इसके अंदर रिव्यू है, आप इसे परचेज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स के बारे में इसका सारा कुछ जान भी सकते हैं। उसके बाद हम इसके डॉक्यूमेंट्स, और जैसे कि आप चले मैं वाइट पेपर से थोड़ा सा रिव्यू देती हूँ, हम इसके वाइट पेपर को देख लेते हैं किस तरह का इसका वाइट पेपर है, थोड़ा सा मैं आपको इसका वाइट पेपर का रिव्यू दूंगी। साइबर पंक का जो वाइट पेपर है दवाई के ऊपर इसके बारे में थोड़ा सा रीड भी है, खुद आप इसे रीड आउट कर सकते हैं, अबाउट साइबर पंक का न्यू वर्ड है, ये सारा कुछ मतलब आप देख सकते हैं। गेम प्ले आप किस तरह से कर सकते हैं, इसका गेम प्ले जो है वो बताया गया है, मतलब आपके गेम प्ले को मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी। ये इसकी ट्रेनिंग बताई गई है, इसकी ट्रेनिंग आप इसे रीड आउट कर सकते हैं, एरियंस ठीक है, आप इसके साइबर सिटीज ये सारा कुछ अगर आप रीड आउट करेंगे तभी आप इसकी गेम प्ले कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग गेम है जो कि तो NFT ग्राफिक्स बताए हुए हैं, स्पोर्ट कार्ड बताए हैं, बिल्ड सिमुलेशन इक्विपमेंट जो है ये करेक्टर की जो एटीट्यूड्स हैं वो डिफरेंट एटीट्यूड्स हैं, ठीक है, इसके एटीट्यूड्स में इक्विपमेंट आता है, स्पोर्ट कार्ड्स आते हैं, रिंग्स आते हैं, और स्किल आ जाती है, इंस्क्रिप्शन भी आ जाती हैं। तो टोकन की बात करते हैं हम, इसके टोकन जो है उसके अंदर ये टोकन भी है, यानी कि और गेम भी है, टोकन जो है वो इतनी है जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो गई। उसके बाद इकोनॉमिक स्टैंडर्ड 7% की राउंड है इसका, 8% इसका राउंड ए है, और यहाँ पे 3% राउंड बी है, 2% जो है इसका एडवाइजर है, और 3% पब्लिक सेल आईडियो है, 7% कम्युनिटी बिल्ड है, 37% जो है इसका गेम के अंदर जाता है, 15% देव के अंदर जाता है, और 17% साइबर फंड, 3.5% जो है इसका रिवार्ड्स के अंदर जाता है। गवर्नेंस के बारे में सारे इसका रिव्यू आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। UGC इज सेंट कॉन्टेंट वैल्यू
जैसे कि आप देख सकते हैं किसी कौन सी कोई भी के अंदर यहाँ पे आपको आउटपुट है प्लेयर से। सबसे पहला स्टेप आता है प्लेयर से, प्लेयर से ना वो उसे प्ले करेंगे तो फिर वो आउटपुट देंगे, आउटपुट देने प्लेयर से मतलब प्लेयर से प्ले करता है तो वो आउटपुट तब जाता है आउटपुट से। गेम प्ले मैंने भी आपको पार्टिसिपेट का कंप्लीट किया था, उसके बाद हम आया गेम प्ले की तरफ। तो ये गेम प्ले आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग गेम है, जैसे कि आप यहाँ पे उसका गेम देख सकते हैं। अगर आप इसे गेम मतलब इस गेम को प्ले करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कैरेक्टर है, आप उसके कैरेक्टर जो है वो अपडेट हो सकते हैं, आप डिफरेंट इससे कैरेक्टर होते हैं उससे आप मतलब इससे कैरेक्टर्स को अपडेट भी कर सकते हैं, आप उससे अपडेट भी कर सकते हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स को। अगर आप इस गेम को खेलेंगे तो आप बहुत ज़्यादा इससे इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आप इसे खेलेगा तब इससे बहुत ज़्यादा मदद उठा सकें। तो मैंने आज आपको उसका मतलब गेम प्ले के बारे में बताया, इसका कम्प्लीट किया जैसे कि गेम का। तो आप इस गेम को जरूर प्ले कीजिएगा, इसको जरूर जो है खेलिएगा ताकि आपको इस मज़ा आए इस गेम को खेलते हुए, इसको प्ले करते हुए। और आप इसे सिर्फ प्ले ही नहीं कर सकते, इसे अर्न भी कर सकते हैं, इसे फंड भी कर सकते हैं। जैसे कि गेम के अंदर आप देख सकते हैं इसे ग्राफिक्स के अंदर, जैसे कि फोनी वो किल कर रहा है उसके कैरेक्टर को, आप देख सकते हैं वो दोबारा अपने मतलब उसकी तरफ जा रहा है। देख सकते हैं आप ये हमारा जो हम जो इस गेम में है वो ये हमारा कैरेक्टर है, हम इसके अंदर है और ये हमारे जो एनिमी की तरफ तलाश में है कि कोई एनिमी से ना मारे इतना ये जा रहा है, जिससे कि आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होने वाली है हमारे लिए, जैसे कि ये देख सकते हैं डिफरेंट जगह पे इसको ये दूसरा एनिमी आगे आप देख सकते हैं इसको फाइट करेगा कि इससे पहले इसने फाइट कर दिया। ये हम यहाँ भी अगर इस गेम को खेलेंगे तो इसके साथ खेलिएगा ताकि आप इसे बहुत ज़्यादा। जैसे कि आज मैंने आपको इस गेम के बारे में कंप्लीट रिव्यू दिया कि बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग गेम है, आप जरूर खेलेगा फाइन कर सकते हैं प्लेयर वर्ल्ड के अंदर जो है कि आपको उनके अमेजिंग गेम मैंने इसका डेमो भी दिया। आज वीडियो के खिलाफ